तो इस वीडियो में मेरे तीन मैसेज हैं, तीनों ही मैसेज इंपॉर्टेंट हैं सभी के लिए। नंबर वन, फिक्स वेट से एक्सरसाइज सभी सेट्स लगाएं या हर सेट में वेट बढ़ाएं। नंबर टू, दूसरी एक्सरसाइज जब जाएंगे तो वार्म अप सेट लें या सीधा वर्किंग सेट लें। नंबर थ्री, आइसोलेशन मूवमेंट को कब इंट्रोड्यूस करना है अपने पूरी ट्रेनिंग में। तो पहला मैसेज जो है कि जो मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ, मैं एक वेट चूज करता हूँ और चारों सेट उसी से लगाता हूँ, तीन या चार सेट जो भी मैंने करने हैं। जैसे आज की ट्रेनिंग का मैं एग्जांपल दूँ, 120 केजी मेरा टारगेट था, मैंने खाली बार से वार्म अप सेट लिया 15-16 रैप, 60 केजी 6 रैप, 80 केजी 6 रैप, 100 केजी 6 रैप, यहाँ मैंने पावर लॉस नहीं करी अपनी। 120 केजी से पहले सेट में मेरे आए 12 रैप, दूसरे सेट में 10 रैप, तीसरे सेट में 9 रैप, तीनों मेरे फेलियर सेट थे। आप लोग गलती क्या करते हैं, अपने चार वर्किंग सेट कैसे चूज करते हैं आप, 80 किलो 12 रैप, 90 किलो 12 रैप, फिर 100 किलो 12 रैप और 110 पे गए, फिर 10-11 जो भी आपके रैप आए, 9-10-11 जो भी आए, आपने फेलियर रैप तक गए आप। लेकिन पहले जो तीन सेट थे ना, 80-90-100, उसमें आप फेलियर रैप पे गए ही नहीं, वो वर्किंग सेट आपने काउंट कर लिए पर वर्किंग सेट वो एक्चुअल में है नहीं, आप मसल फेलियर पे नहीं गए। तो आप इस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं तो आप डेली एक सेट लगा के निकलते हैं एक एक्सरसाइज का, आपकी बॉडी कहाँ से बनेगी, चारों सेट फेलियर पे जाना आपने। अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो 80 के मैक्सिमम रैप लगाएं, 90 के मैक्सिमम लगाएं, 100 के मैक्सिमम लगाएं और फिर 110 के मैक्सिमम लगाएं। लेकिन क्या 80 के मैक्सिमम लगाएंगे तो आपके 20-25 रैप आ जाएंगे, वो भी उसका भी कोई यूज नहीं है। तो वेट ऐसे चूज करना आपने, पहले सेट में आपके 12-15 रैप आ जाएं मसल फेलियर, फिर वेट बढ़ा दें, दूसरे सेट में 10-12 रैप आ जाएं मसल फेलियर सेल्फ, तीसरे सेट में फिर 9-10 रैप आ जाएं, चौथे सेट में 8-10 रैप आ जाएं, लेकिन चारों सेट फेलियर होंगे तब काउंट होंगे। तो आपकी मर्जी, आप एक वेट चूज करें या ग्रेजुअली बढ़ाएं। दूसरा मैसेज है, सेकंड एक्सरसाइज पे सीधे वर्किंग सेट पे जाएं या वार्म अप सेट दोबारा लें, कोई जरूरत नहीं, आपका मसल रेडी है, आपके जॉइंट्स रेडी है, लोड आ चुका है मसल पे, सीधे वर्किंग सेट पे जाएं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने डिसाइड किया 100 केजी के मैं तीन सेट लगाऊंगा, मेरे 10-12 रैप जो भी आएंगे, मैंने पहला सेट लगाया मेरे 10 रैप आए, तो मुझे लगा कि तीसरे सेट जाते जाते ये बहुत कम हो जाएगा, तो मैंने वेट ड्रॉप कर दिया। वेट उतारना भी पड़े तो कोई ईगो नहीं है, अपनी ट्रेनिंग खराब करने से अच्छा वेट ड्रॉप कर दे। जैसे फिर मैंने 90 केजी के 11 रैप लगाए, फिर 10 रैप लगाए, इसके बाद बैक टू बैक मैंने दो कंपाउंड मूवमेंट कर लिए। अब तीसरा मैसेज मेरा ये है कि इसके बाद एक आइसोलेशन मूवमेंट अगर आप डाल देंगे ना तो आपके ट्राइसेप को रेस्ट मिल जाएगा, उसके बाद फिर अगला कंपाउंड मूवमेंट लेंगे तो आपकी मसल फिर उतना ही लोड ले लेगी। मैंने इसके बाद केबल क्रॉस ओवर किया, आइसोलेशन वर्कआउट है, 12-16 रैप के 3-4 सेट मैंने लगाए, फिर मैंने लास्ट में अपना किया पैरेलल बार डिप्स। अभी बॉडी वेट एक्सरसाइज है, इसमें आप जितने रैप लगा सकते हैं लगाएं, अगर आपके रैप 15-16-18 से भी ज्यादा लग रहे हैं तो आप इस पे वेट लगा सकते हैं, वेटेड कर सकते हैं, अदरवाइज 12-15-16 रैप लगते हैं तो बॉडी वेट से ही करें। तो यही तीन मैसेज थे, अगर आपने वीडियो पूरा सुना है तो जरूर आपको समझ में आ गए होंगे, अपनी ट्रेनिंग को आप इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। रेपिटेशन का टारगेट देने के बाद भी आपका ये पूछना कि लोड कितना लगाएं, लाइट करें या हैवी करें, ये सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन है। देखो, जब आपको एक रैप का टारगेट दे दिया, 8 रैप दिया है या 12 रैप दिया है, 16 रैप दिया है, हमेशा आपको मैक्सिमम वेट ट्राई करना है। मैक्सिमम वेट मतलब जो रैप आपको दिया है टारगेट, उस उतने रैप के लिए एक ऐसा वेट चूज करना कि वहां तक जाते जाते आपका मसल फेल कर जाए बिना आपका पोस्चर खराब किए। अगर 8 रैप दिए हैं तो लोड उतना रखो वर्किंग सेट में कि 8 रैप तक जाते जाते आपका मसल फेल कर जाए। मान लो थोड़ा सा मार्जिन रह गया, 8 रैप पे आप फेल नहीं हुए, 1-2 रैप का मार्जिन है तो आप बढ़ा दो, उस 8 को 10 भी कर सकते हो, 1-2 रैप ऊपर नीचे फेल कर जाए मसल। अगर 16 रैप का टारगेट दिया है तो उस 16 रैप तक जाते जाते आपका मसल फेल कर जाए, लोड इतना चूज करना आपने, तो ऑटोमेटिकली जो रेपिटेशन ज्यादा होंगे तो लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन करना मैक्सिमम वेट से ही है, उतने रैप के लिए जो आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपका मसल फेल कर जाए उस रैप तक जाते जाते। 1-2 रैप ऊपर नीचे अलाउड है, वो चलेगा। मान लो इन केस आपका जो टारगेट था, मान लो 12 रैप का टारगेट है, आप नहीं फेल हुए, आपको लगता है अभी तो मेरे 5-6 रैप और आ जाएंगे, तो उस सेट को वहीं छोड़ दो, उस सेट को काउंट मत करो। इट मीन्स वो आपने लाइट वेट चूज कर लिया है, अगले सेट में लोड को बढ़ाओ जिससे कि आप 12 रैप तक जाते जाते फेल कर जाए। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। देखो, कोच आपको या तो रैप का टारगेट देगा कितने रैप लगाने हैं, वेट आपने खुद चूज करना है, या फिर आपको लोड का टारगेट देगा कि आपने इस वेट से ये सेट लगाना है। मान लो आपको टारगेट दे दिया 80 केजी से लगाओ, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये इतने रैप के आसपास जाके फेल हो जाएगा, तो अब उस लोड पे आपने मैक्सिमम रैप पे जाना है। जब लोड का टारगेट मिल गया आपको तो रैप मैक्सिमम निकालने, अगर रैप का टारगेट दिया तो लोड मैक्सिमम रखना है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा और ये कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए दूर होना चाहिए। थैंक यू।